छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नियुक्तियों का भाजपा नेताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। निगम मंडल बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी पदाधिकारियों में सहमति बन गई है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में लिस्ट जारी होगी। पहले लिस्ट में प्रवक्ता, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी सहित कई नाम लगभग तय हैं। तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में गुटबाजी जारी है, जिसकी वजह से अभी तक नियुक्ति नहीं हो पा रही है। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और अभी और समय लगेगा नियुक्तियों के लिए। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण के विषय पर मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। वहीं नवरात्रि से पहले सूची जारी होने को लेकर कहा कि नवरात्रि तो बहुत दूर है, जल्दी नियुक्ति होगी। पितृपक्ष तो आज खत्म होने वाला है, पितृपक्ष आज से शुरू होने वाला है और तो अब तो कुछ रह ही नहीं गया। जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से काम तो होता नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है और सारे नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अपने अपने लोगों को निगम मंडल में और अन्य जगहों में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो काबिल नहीं है ऐसे लोगों को भी नाम दिया गया है, इसलिए पार्टी सोच रही है कि इसको अभी कुछ नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और इन लोग आने वाले जो चुनाव हैं नगर पंचायत, नगर पालिका और पंचायत का, उसके बाद ही इन लोग कुछ कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में है, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली बोलने का है, बाकी कुछ करने का नहीं। हाँ, पहले कुछ कुछ और है, मतलब निगम मंडल बात का विषय है, कुछ और प्राधिकरण हैं और अन्य जो विषय हैं उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि शीघ्र ही हो सकता है। नवरात्र के पहले आ जाएगी लिस्ट, ऐसा लग रहा है। नवरात्र तो बहुत दूर है अभी। पितर के पहले।